समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवान तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवान तेरी। तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में।
ओम शांति। ओम शांति। हमारे मध्य आदरणीय आशा दीदी पहुंच चुके हैं आज की ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की ट्रेनिंग के लिए। आपको हमारी आवाज आ रही है सभी को? कैन यू कैन हियर अस? ठीक है। सो आजकल हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बाबा की सेवाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे मधुबन में भी एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स होते जा रहे हैं और ऐसे ही स्थिति में हमें अपने आप को भी तैयार करना है। तो ये बहुत सुंदर आज की ट्रेनिंग है जिसमें मैं थोड़ा सा आपको शेड्यूल बताऊंगी आज का। पहला सेशन है आदरणीय आशा दीदी, उसका टॉपिक है द कल्चर ऑफ कमिटमेंट। 11:30 बजे मीटिंग है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स कैंपेन। 12 बजे दूसरा सेशन है वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन बीके विधात्री के द्वारा। शाम को 4 बजे सेशन है, थर्ड सेशन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन बीके हुसैन के द्वारा। और 5:30 बजे सेशन 4 है शिफ्टिंग फ्रॉम फोर्स टू पावर, और ये है बीके उर्मिल दीदी के द्वारा। तो हम सभी वेट कर रहे थे आदरणीय आशा दीदी के परिचय की, तो आवश्यकता नहीं है। तो विदाउट फर्दर ड्यू आदरणीय दीदी से हम उनको आमंत्रित करते हैं टू टेक अस फॉरवर्ड फॉर द ट्रेनिंग। ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस से बैठते हैं और मैं चाहूंगी कि सबके अपने जो वीडियोस हैं अगर खोल लें तो उससे रैपो अच्छी होती है, इंटरैक्शन भी हो सकता है। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि हमने ये टॉपिक क्यों चुना। आप सबको पता होगा या नहीं, हमारी जो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग्स होती है ऑफिसर्स की, उसमें वो समय प्रति समय कुछ टॉपिक्स रखा करते हैं। तो लेटेस्ट ट्रेंड जो उनकी टॉपिक्स की चल रही है वो ये कमिटमेंट की बात है। लोग जो है कमिटेड नहीं होते हैं, काम शुरू कर लिया, आधा पचद्धा बीच में छोड़ दिया और फिर आगे चले और वो चीज वैसी की वैसी रह जाती है। पहले शुरू करते हैं बहुत उमंग उल्लास से, उसके बाद फिर वो बीच में छोड़ देते हैं। क्या कारण होते हैं वो सारे कारण भी हम देखेंगे, परंतु एक कमिटमेंट ऐसी चीज है। अगर कमिटमेंट समझते हैं ना, कार्य करने की इच्छा शक्ति, कार्य संपन्न करने की। एक होता है कार्य करना, एक होता है उस कार्य को सिरे चढ़ाना, जिसमें बहुत कम लोग उसमें जा सकते हैं। तो इस तरीके से
कुछ सोचते हैं ठीक है करके देखते हैं हो गया तो ठीक है, कुछ लोग लक्ष्य रखते हैं नहीं मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए उसको पार करना है, जो सामने प्रॉब्लम्स आएंगी उनको भी हम डील करेंगे, हम उसको पार करेंगे। तो हमने जो ये लिया है, हम तो बीकेस हैं और हम बीकेस जानते हैं कि हमारे पास ये कल्चर कमिटमेंट बहुत जबरदस्त, दुनिया में तो लोगों को रेमुनरेशन मिलता है, उसका रिटर्न मिलता है, उसके पैसे मिलते हैं जो काम करते हैं सेट करते हैं, उसके धन भी कमाते हैं, लेकिन लोग आश्चर्य करते हैं ऐसी क्या चीज है ब्रह्मा कुमारीज में जो कि आप चुप करके इतना काम करते हो, इतनी डेडिकेशन से करते हो और व्यक्ति कमिटेड है। अगर किसी को खड़ा कर दो कि आपको इस गेट का ध्यान रखना है, वो व्यक्ति वहां पर खड़ा रहता है, तो वो क्या चीज है। और सच्चाई की बात यह है ये कमिटमेंट पहले अच्छी हुआ करती थी, काफी होती थी, आजकल इसमें कमी आती जा रही है। क्यों कमी आती जा रही है वो हम सब जानते हैं, हर चीज में डाइल्यूशन है, वो हम आगे चल करके लेंगे। सो इन द बिगनिंग कमिटमेंट का अर्थ क्या है? कमिटमेंट अर्थात कोई भी कार्य को या कुछ भी अचीव करने के लिए जो आप कार्यरत रहते हैं, कार्य करते हैं नहीं, देखिए कार्यरत और कार्य करना दोनों में अंतर है। कार्य करना ठीक है कर लिया, कार्यरत वो आप कंटिन्यूसली उसमें संलग्न है, जो आप संलग्न रहते हैं वो चीज कमिटमेंट है, जिससे आपको प्राप्त होती है सफलता प्राप्त होती है वो कमिटमेंट है। अब इसमें बहुत सारी बातें बीच में आती है, आपने कुछ शुरुआत की, मान लीजिए आपने मकान बनाना शुरू किया, अब मकान बनाना शुरू किया बीच में आपके कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट तो कर लिया जोर शोर से, जैसा हम सब जानते हैं अनुभव करते हैं कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं अपनी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जोर शोर से इनॉग्रेशन में उसकी वो हो जाती है, उसके बाद क्या होता है भूल जाते हैं, फिर लास्ट में गा करके बिल्कुल ही ओम शांति हो जाती, अच्छा भाई साल की थीम क्या थी वो भी भूल जाते हैं, तो वो कमिटमेंट नहीं हुई ना, कहां पर भी कमिटमेंट नहीं, मैं स्टार्ट कर लिया और उसके बाद हम भूल गए। परंतु जो कमिटमेंट होगा उसमें आप उसको जिंदा रखते हैं उस प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट को जिंदा रखना माना कि आप इसको कंटिन्यूसली उसके प्रति कार्यरत हैं, आप अपनी उसमें लगे हुए संलग्न है। सो इसमें आएंगे आपको कई प्रकार की बातें आती हैं, हर्डल्स हैं, डिलेज हैं, आपने कोई डेट फिक्स की कि इस डेट पे हम ये काम, लेकिन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, बंदा बीमार पड़ जाता है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं। अब आप देखिए कई बार आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि ये हाईवे का उद्घाटन होना था, इसको छठी बार पोस्टपोन किया गया, क्यों पोस्टपोन किया गया, कुछ तो बात रही होगी। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जान जाए पर वचन ना जाए, ऐसे भी लोग होते हैं, और उस कैटेगरी में बीके लोग हैं। हाँ, तो हमको अपने अनुभव से ये बातें उनको बतानी है। तो ये बातें मैं जो सुना रही हूँ ये आप लोगों को समझाने के लिए है, फिर आपको उसमें से निकाल करके पॉइंट्स को देने हैं। सो पहली चीज है जो कि जैसे जो हर्डल्स आती हैं उसमें अनशेड्यूल्ड डिलेज हैं, लोग बदल जाते हैं, ट्रांसफर्स हो जाते हैं लोगों के, कई घटनाएं घट जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं लोगों से, कभी पॉलिसी भी बदल जाती है,
और कभी कुछ नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, और इस प्रकार से जो आपका प्रोजेक्ट है वो आप उसको धीरे से अबैंडन कर देते हैं, या आप उसको संपन्न करने के लिए शक्तिहीन स्वयं को समझते हैं। अब हमें करना क्या है, हम इसको कैसे पार करें? इसमें सबसे पहली चीज जो हमें अपने इसमें लेनी है वो है कि मेरे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग अपने लक्ष्य की, नंबर वन, मेरा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और लक्ष्य में क्या है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। मैं कभी कभी जब अपनी बहनों के साथ काम करती हूँ तो मैं देखती हूँ कुछ तो सीधा कुछ भी कहेंगे समझ जाएंगी और कहेंगे अच्छा ठीक है ये हो जाएगा, और कुछ होती हैं जो मेटिकुलसली एक एक चीज को बारीकी से देख करके फिर करती हैं, और वो अप्रिशिएबल है, क्योंकि जब तक आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपकी कमिटमेंट किसके लिए होगी। सो योर एम एंड ऑब्जेक्ट, योर लक्ष्य शुड बी वेरी क्लियर, एंड यू मस्ट हैव राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर लक्ष्य। और उसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, करेज ऑफ कन्विक्शन चाहिए। जो लक्ष्य आपको दिया गया क्या सच में आप उसके प्रति समर्पित हैं, क्या सच में आप उसे चाहते हैं, क्या सच में आप उसे प्यार करते हैं? अगर आपको ये नहीं है तो आप कमिटेड नहीं हो सकते। मुझे आरुणि की कहानी याद आती है। आरुणि जो था वो एक बच्चा था, शिष्य था एक गुरु का, और वो उसका जो था क्या कहते हैं गुरु, उसने उसको आज्ञा दी, बेटा एक खेत की तुमने संभाल करनी है, इसमें पानी ना भर जाए। तो आपको याद होगा अरुण ने क्या किया था, शायद पहली दूसरी क्लास में हमने एक कहानी पढ़ी थी। अरुण ने क्या किया था, वो लेट गया, पानी आ रहा था परंतु तो लेट गया और उसने पानी आने से रोक लिया, और डेथ भी हो गई उसकी, गुरु ने उसको जिंदा कर लिया। लेकिन ये कहानी है क्या ऐसी कमिटमेंट अपने लक्ष्य के प्रति, अपने प्रोजेक्ट के प्रति, अपने कार्य के प्रति इतनी कमिटमेंट है, ये चीज आपको देखनी है। फिर इसके साथ साथ हमें अपने आप में विश्वास चाहिए। यदि हमारा खुद में ही फेथ नहीं है, जो कार्य हम करने वाले हैं, उठाने वाले हैं, अगर खुद में ही फेथ नहीं है तो हम आगे कार्य कैसे करेंगे? तो स्वयं में फेथ का होना जरूरी है। कई बार कहते हैं हाँ आपने कहा तो है, ध्यान पर तो है, कर तो रहे हैं, हो जाएगा, इतना तो कर लिया है। These are not the answers. जब हम कल्चर ऑफ कमिटमेंट कहते हैं उसमें ये सब बातें बिल्कुल फ्लिम्सी रखती हैं, ऐसी बातें लगती हैं जैसे कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। इट प्रेजेंट्स योर वेरी वीक एंड डिसमल पिक्चर। जो व्यक्ति इस तरीके की बातें करता है और कहता है वो व्यक्ति कमिटेड नहीं है, आप उस पर विश्वास नहीं रख सकते हैं। तो स्वयं पर विश्वास रखिए। जब स्वयं पर विश्वास रखिए, अगर बाबा जैसे कहता है कि बच्चे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, स्वयं में फेथ रखो कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। बाबा को दूसरी आशा नहीं है, यही आशा है,
जैसे दादी जानकी कहा करते थे, बाबा को दूसरी जानकी नहीं है, यही है। ऐसे ही स्वयं में फेथ रखे, बाबा को दूसरी पूनम नहीं है, यही है। ऐसे करके स्वयं के अंदर फेथ, और फेथ से फॉर्म बनता है। जब आप अपने ऊपर फेथ रखते हैं, उससे फॉर्म बनता है, उससे आप उस अनुकूल अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और अगर फेथ ही नहीं रखा है तो फिर पर्सनालिटी डेवलप क्या होगी आपकी? नथिंग। फिर आप बिलो एवरेज चल रहे होंगे, तो वो तो कोई लाइफ नहीं है ना बिलो एवरेज वाली। कम से कम चलो एक्सेल ना करें, एवरेज से उसमें तो चले ना। फिर इसके साथ साथ अपनी कैपेसिटीज में विश्वास रखिए, अपनी योग्यताओं में। ये एक बहुत ट्रिकी पॉइंट है जो कि व्यक्तियों के अंदर आता है और किसी भी एज ग्रुप में आ सकता है। कैसे? इसमें मेरे से ज्यादा अच्छा ये कर रही है तो उसको ही दे दीजिए ना। जिस घड़ी आपने बोला इसका थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, या ठीक उसको दे दीजिए ना, वो ज्यादा अच्छा नहीं। अरे उसने अच्छा किया, आप उसे 4 दर्जे और अच्छा कर सकते हो उसका देख करके। आप क्यों सोचते हो? जो चीजें बाबा इसीलिए कहता है गुणग्राही बन, कोई भी है उसके गुण को लो। गुण को लेने से आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। आपके अंदर ऑलरेडी 4 गुण है, जब आप दूसरे के देखेंगे तो आपके अपने गुण भी बढ़ जाएंगे। तो हैव फेथ इन योर ओन कैपेसिटी। और कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें जो है वो कमिटमेंट में, वो परसिवेरेंस का बहुत महत्व है। मतलब कंटिन्यूटी का, कंटिन्यू करते रहे करते रहे करते रहे। इसमें एक मैंने पढ़ा था लियोनार्डो डाविंसी का। लियोनार्डो डाविंसी जो थे वो ये सोचते थे मनुष्य कैसे उड़ सकता है। उसने अपनी जिंदगी का बहुत सारा समय सोचने में लगाया कि मनुष्य को उड़ना चाहिए। मनुष्य उड़, जो चिड़ियों को उड़ता देखता था, पक्षियों को उड़ता देखता था, तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता? मनुष्य को भी उड़ना चाहिए, इसके भी 4 2 हाथ 2 पांव हैं, और उनके तो दो दो यही होते हैं पांव, तो और 2 पंखों से वो उड़ जाते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ता? लेकिन आप जानते लोग उसको क्या कहते थे कि भाई मनुष्य जो है वो उड़ने के लिए बना ही नहीं है। मनुष्य जो है वो बना है धरती पर रहने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि 400 साल के बाद वो फेलियर रहा, नो डाउट, परंतु 400 साल के बाद जो रोम का नाम है उसकी डिटरमिंड एफर्ट के कारण रोम के एयरपोर्ट का नाम क्या है? लियोनार्डो डा विंसी। तो फर्क है ना, उसकी जो वो तमन्ना थी वो कोई रीत से पूरी हुई और आज उस चीज को हम सामने देखते हैं। तो उसने छोड़ा नहीं, डिटरमिंड एफर्ट्स उसके कंटिन्यूड रहे। फिर इसमें जो और चीज चाहिए वो हमको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो व्यक्ति स्वयं को रिस्पॉन्सिबल समझता है तो वो अपना कार्य करेगा, और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता है तो ठीक है हम सहयोग दे देंगे। आप मेजॉरिटी देखेंगे, जिस समय हम ग्रुप में कुछ पूछते हैं तो लोग क्या कहते हैं, हाँ हम ये करें, हम इनको सहयोग दे देंगे। जिसका अर्थ क्या हुआ, आप आधे कच्चे आधे पक्के हैं। काम वो करेगा, जिम्मेवारी उसकी, और हम सहयोग देंगे। हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं होगी, उनकी है। तो ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कल्चर ऑफ कमिटमेंट में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। देन उसके साथ साथ एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको स्वीकार करें। और स्वीकार करने से क्या होता है,
आप के अंदर गुणों का निखार होता है और गुणों का निखार होता है और आपकी कमिटमेंट बढ़ती है. तो ट्रस्ट योर सेल्फ. फिर है बी ऑनेस्ट. जो काम मुझे आता है फाइन, जो मुझे नहीं आता है बताए इसके मैं कुछ गड़बड़ करूं. बी ऑनेस्ट, मैं दूसरे का सहयोग तो ले सकती हूं ना. आई कैन बी प्रोएक्टिव, मैं एक्सपर्ट्स का सहयोग तो ले सकती हूं ना. जो कई बार बहने नहीं करना चाहती हैं, लोग नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो कर रहे हैं हम ही ठीक कर रहे हैं और हम ही करेंगे. नहीं. सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट यू कैन डू यू डू, एंड व्हाट यू कैन नॉट डू बी प्रोएक्टिव एंड गेट कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स, एलिसिट कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स. इसके साथ साथ इसमें ऑनेस्टी में एक बात और कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ऑनेस्ट तो हो सकते हैं. भी ठीक है, मेरे को ये नहीं आता है, आप बता दीजिए. अच्छा, फिर देखिए कमिटमेंट आती है जब आपके जीवन में कुछ वैल्यूज होती है. अगर वैल्यूज नहीं है तो व्यक्ति कमिटेड नहीं रह सकता है. और फिर वैल्यूज में सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग यूज करते हैं, वो सारी वैल्यूज उसमें आ जाती है. अब कमिटमेंट जो होती है उसमें जो भी कुछ आप करते हैं, जिसके प्रति आप कमिटेड हैं, लव इट, लव योर वर्क. अगर आप अपने कार्य से प्यार नहीं करेंगे तो आप उस कार्य के प्रति जागरूक भी नहीं होंगे, आपको वो कार्य प्रिय भी नहीं लगेगा, और प्रिय नहीं लगेगा तो आप उसको कभी भी संपन्न नहीं करेंगे. सो जैसे देखिए मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना, तो जब वो सीट लेते हैं एमडी की, तो उनको अपनी चॉइस वाली नहीं मिल पाती है कई बार. तो एक सीनियर डॉक्टर ने एक छोटे बच्चे को जो कहा वो मैं सुन रही थी, तो मुझे वो अच्छा लगा. उन्होंने कहा कि तुमको जो मिलता है तुम उसको स्वीकार करो, एंड देन यू लव योर सब्जेक्ट, स्टार्ट लविंग योर सब्जेक्ट. व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सब्जेक्ट लाइक पैशन, इस तरीके से हो, तब आपका जो कार्य है वो अच्छा, देन यू कैन बी कमिटेड. बिकॉज अगर आपका उसके साथ स्नेह ही नहीं है जो काम आप करने जा रहे हैं, प्यार ही नहीं है, आप जबरदस्ती के सौदे से कर रहे हैं, तो आप कमिटेड क्यों होंगे, आप कमिटेड क्यों होंगे. और आप अपना कार्य संपन्न भी नहीं करेंगे, टूटा फूटा करके उसको खत्म करेंगे, जो कि उचित नहीं होगा. तो इसलिए आप लव योर सब्जेक्ट, लव योर वर्क एंड हैव पैशन फॉर इट. फिर है एक चीज जो कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रखनी है, स्वमान. स्वमान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कमिटमेंट को संपन्न करने के लिए, अपने कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कैसे, अगर आपने गौर किया होगा, एक मैंने स्थान पर चर्चा सुनी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो, कि कैसे व्यक्ति अपने कार्य के प्रति कमिटेड होता है तो उसको करके ही छोड़ता है. आप सबने मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा. मदन मोहन मालवीय जी अपने देश के बहुत ही बड़े लीडर थे और एजुकेशनिस्ट थे. तो वो हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा. तो किसी ने कहा कि जो हैदराबाद का निजाम वो बहुत दानी है और आप वो पैसा जो है वो आपको देगा, आप इसे डोनेशन ले सकते हैं. वो गए वहां हैदराबाद निजाम के दरबार में, उनसे कहा कि भाई हमको ऐसा ऐसा बनानी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आप हमको
उसके लिए डोनेशन दें। उनका मैं क्यों देने लगा डोनेशन हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए, मैं हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए डोनेशन नहीं दे सकता हूँ। मदन मोहन मालवीय जी थोड़ा करते गए, इंसिस्ट करते गए, आखिर निजाम को गुस्सा आया, उन्होंने उठा करके अपना एक जूता उनकी तरफ फेंका, तो मदन मोहन मालवीय जी ने जूते को ले लिया। ले लिया कोई बात नहीं, सोमान की बात देखिए, उन्होंने ले लिया और उसके बाद बड़े धीरज से बोले, साहब ये दूसरा जूता आप क्या करेंगे, वो तो अब बेकार हो गया, आप दूसरा भी फेंक दीजिए, दूसरा भी दे दीजिए। तो जोश में तो था ही निजाम, गुस्से में था, उसने दूसरा जूता भी जोर से फेंक के मारा। मदन मोहन मालवीय जी ने कुछ नहीं किया, इट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑल्सो, उन्होंने दोनों जूते लिए और वो चौक पे जाके खड़े हो गए, जूतों की नीलामी, निजाम के जूतों की नीलामी। तो जब पता लगा उनको क्या कहते हैं निजाम को कि अरे जूतों की नीलामी, मेरे जूतों की नीलामी तो बड़ी बदनामी की बात है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को भेजा और कहा जितनी ज्यादा से ज्यादा बोली लगती हो लगाओ, लेकिन जूते लेकर के आओ। तो वो गए और बोली लगाई और वो बोली में जितना पैसा उनको चाहिए था मदन मोहन मालवीय को वो मिल गया और जूते उनके वापस करके वापस आए। और वो थी तो ये एक जैसे कि वो है इच्छा शक्ति, करने की इच्छा शक्ति कि मेरे को करना है तो करना ही है। तो और फिर इसमें देखिए सामान चाहिए अपना, वो नाराज नहीं हुए, जूता पहने तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रख करके दूसरा भी ले लिया और कमाई भी कर ली। तो मजा तो इसमें है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं सामान जरूर रखना। फिर है इसमें जो हमारे और चीजें काम में आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैंने कहीं से लिया है, ये मेरा ओरिजिनल नहीं है, लेकिन कुछ विचार मेरे मिलते हैं इसके साथ तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको इन्होंने कहा लेखक ने 10 टिप्स फॉर बिल्डिंग कमिटमेंट इन योर वर्क टीम, 10 टिप्स यू कैन राइट ऑल्सो। देखिए आपके नंबर वन, आपकी जो टीम है, अगर आप अपनी टीम का महत्व रखेंगे और टीम वालों को ये महसूस होगा कि मेरा लीडर, मेरा बॉस हमारी कदर करता है, तो वो आपका काम कूद कूद करके करेंगे, खूब जोश में करेंगे। और अगर उनको लगे कि नहीं ये तो नहीं, हमारी कोई कदर नहीं है, तो आपको वो जो सहयोग उपलब्ध होने वाला था वो अब उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए वैल्यू योर टीम मेंबर्स, हर टीम मेंबर की वैल्यू रखिए, और वो जितना आप उनको ये फीलिंग देंगे कि हाँ आप की वैल्यू है, आप इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जितना आप उनको ये महत्व देंगे उतना ही वो और अपना अपने आप को डेवलप कर सकेंगे। अगर हर समय हम उनको वो बोलते रहेंगे तो विचारों के अंदर जो क्वालिटी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। सो उनकी वैल्यू रखना नंबर वन। नंबर टू, वॉलंटियर इन्वॉल्वमेंट। अगर आप उनको कहेंगे नहीं आपको ये करना ही है, तो आज का समय ये है, वो समय था हमारा जबकि हम लोग ऑर्डर्स ले लेते थे अपने बड़ों से, लेते थे ना, और बड़ों ने कुछ भी कह दिया हमने करना,
हम लोग आंख मीट के वो काम करते थे, ये कुछ भी है बड़ों ने कहा, बड़ों ने कहा है हमको करना है। अब क्या फर्क है, अगर आप किसी टीम मेंबर को फोर्स से काम करने को कहेंगे आउट ऑफ फोर्स, तो वो टीम मेंबर जो है वो काम नहीं कर पाएगा, वो क्या कहेगा, वो काम नहीं करेगा फोर्स में होने से उसकी कमिटमेंट नहीं मिलेगी आपकी। और अगर एक ही कमिटमेंट नहीं मिलती है ना, तो ये लाग होती है, एक से दूसरा, दूसरे तीसरे, ऐसे ही बढ़ती जाती है। इसलिए आपके साथ वो आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, आपके साथ डिबेट करेंगे, क्या जरूरत है, जरूरी है क्या, बिकॉज दे आर बीइंग फोर्स्ड इनटू इट। इसलिए उनको अपने बीच से, फिर ऐसा भी होता है कई बार हम टीम के साथ छोटी छोटी सब टीम्स और बनाते हैं, और सब टीम्स बनाते हैं तो हम उसमें उनको कहते हैं नहीं तेरे को इसके साथ ही काम करना है। अब जब आप टीम बनाएंगे और उसके चॉइस का व्यक्ति उसके साथ नहीं है, एक होता है जो दोनों जने प्यार से मिल करके कर लेते हैं, एक जिस जहां आइडियाज नहीं मिलते हैं और हम उनको फोर्स डालते हैं, तो वहां पर भी हमारी कमिटमेंट सफर करेगी, डेफिनेटली सफर करेगी, क्योंकि कोऑपरेशन नहीं होगा, वो टाइम वेस्ट करेंगे, उनका अपना क्लैशेस चलेंगे, तो कार्य में कहां ध्यान होगा। तीसरी चीज है कि हर एक की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम डिफाइन करें, एवरीवन्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिफाइंड। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। मैंने देखा है एक काम मैं जब दो लोगों को कह देती हूँ, दोनों करते हैं, लेकिन कहीं से थोड़ा डिले होता है तो सोचते हैं चलो दूसरे को भी कह दो, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है। नहीं, आप एक को कह रहे हैं उस पर विश्वास रखिए और उसको अलाउ कीजिए करने के लिए, और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, ये सब आप जो है डिफाइन करिए, हर टीम मेंबर की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर एक चीज ये जरूरी है कि हम उनके अंदर विश्वास, ट्रस्ट पैदा करें। ट्रस्ट पैदा करने से क्या होगा कि उनके अंदर में एक आपके प्रति विश्वास की भावना, पारस्परिक ट्रस्ट भी होना चाहिए और आपके प्रति ट्रस्ट भी होना चाहिए, दोनों प्रकार से। फिर इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि जो आपका कार्य है वो एक मरियल सा नहीं होना चाहिए, उसमें लाइफ डालिए कार्य में। कोई भी कार्य प्रोजेक्ट है, उसमें कभी बैठ करके चिंतन किया, कभी बैठ करके बातचीत की, तो उससे क्या है कि जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो डल और डेड नहीं लगे, परंतु पीपल उनके अंदर उमंग और उत्साह कंटिन्यूस रहता है। जैसे देखिए ओम शांति भवन बनना था तो पहाड़ थे, वहां पहाड़ों को ब्लास्ट किया, पहाड़ों को खत्म किया, फिर वहां बनाया ओम शांति भवन। जब बन रहा था, दादी जी की विशेषता क्या थी, दादी जी की विशेषता थी वो जाकर के वहां खड़ी होती थी, अपने हाथ से सबको केतली लेकर के चाय पिलाती थी, शाबाश शाबाश करती थी, दो चार पत्थर खुद उठाती थी, तो नतीजा क्या था, सबके अंदर उमंग उत्साह भर जाता है। हम अपनी लेथार्जी के कारण, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, क्या मैं सभी डिपार्टमेंट्स में विजिट करती हूँ, अगर मैं सभी डिपार्टमेंट विजिट करूँ, उनको थोड़ी सी शाबाश दूं, आप देखेंगे कि कार्य करने की क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा। और ये क्या, मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, ऑफिस में बैठी हूँ, उनको ऑर्डर कर रही हूँ ये करना ये करना ये करना, फिर वो अपने रीति से करेंगे, फिर वो जो चीज आनंद आना चाहिए कार्य करने में वो नहीं आता है।
इसलिए बाबा हमेशा क्या करता था, बाबा बच्चों के साथ सब्जी पर बैठते थे, बाबा बच्चों के साथ अनाज पर बैठते थे, बाबा ने मकान बनाना है तो ईंट बाबा खुद उठाते थे, जिससे कि सब बच्चे मिलजुल करके वो कार्य संपन्न कर लेते थे। तो ये चीज है कि आप अपने टीम का जो एक्साइटमेंट है, जो उमंग उत्साह है, वो बना के रखिए। फिर एक चीज है जो कि प्रायः लोग पसंद नहीं करते हैं। देखिए, किसी को भी फेलियर पसंद नहीं है, है ना, कोई नहीं चाहता कि फेलियर हो, कुछ भी फेल हो। परंतु फेलियर होगा तब तो व्यक्ति आगे सीखेगा ना। मैं पहले मिसाल दिया करती थी अपने ही जिंदगी के अनुभव से कि केक बनाया, अच्छा बना, दूसरी बार बनाया तो खराब हो गया, तो दादी ऑलराउंडर ने कहा, अरे बड़ी तूने इतना ये का नुकसान कर दिया। तो मैं तो डर गई, नहीं थी, मैं डर गई। जयमर शांता दादी ने कहा केक बनाओ, मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे से खराब हो जाएगा, ये केक इतना वेस्ट जाएगा, मेरे ऊपर बोझ चढ़ेगा। दादी निर्मल शांता ने क्या कहा, देखिए फर्क की बात। दादी निर्मल शांता ने कहा, तुम बिगाड़ेगी नहीं तो बनाएगी कैसे, मिस्टेक करके ही तो ठीक होता है व्यक्ति, इसलिए कोई हर्जा नहीं, तुम बनाओ। मैंने बनाया, वो अच्छा बन गया और आगे भी बनता रहा। तो ये होता है कि आप बुझे हुए दीपक को जगा दें और उसमें जान भरना, ये आपका अपना काम है, आपको करना है। तो भावार्थ ये है, यदि लोग फेल भी होते हैं तो आप परेशान मत होइए, अलाउ देम टू फेल, परमिशन दीजिए उनको फेल होने की। एक मैनेजर थे, उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया और इम्प्लीमेंट किया गया, उससे जबरदस्त नुकसान कंपनी को हुआ। अब अगर कोई सामान्य रूप से कोई होते तो वो क्या करते हैं, उसको वो लोग पनिश करते कि तेरे कारण से इतना नुकसान हुआ। परंतु फिर क्या हुआ, जो मालिक था, मालिक ने या जो भी होगा बड़ा, उसने उस मिस्टेक करने वाले मैनेजर को प्राइज दिया। किस लिए? फेल हो गया, नुकसान किया, इसलिए नहीं दिया, इसलिए दिया कि ये सब गलतियां जो हमने की हैं, अब ये हम सदा काल के लिए इन गलतियों से हम बच गए, अब आगे ये गलतियां हम नहीं करेंगे। तो वेरी नाइस, तुमने आंखें खोल दी और सब गलतियां हम आगे नहीं करेंगे, बच गए। तो देखिए, नजरिया है ना, देखने का नजरिया है, व्यक्ति कैसे देखता है। तो गलती करना, मम्मा क्या करती थी, गलत नहीं है, लेकिन गलती करके गलती की कॉन्शियसनेस में आज जाना रॉन्ग होता है। सो वी शुड नॉट बिकम मिस्टेक कॉन्शियस। फिर उसके बाद ये देखें, अच्छा ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो जाएगा, बढ़ा लीजिए इसको, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कुड हैपन। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। ठीक है, हमारा अधिक से अधिक बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे इस चीज को हम रिमूव कर सकते हैं, ताकि वो जो हमारा फियर ऑफ कमिटमेंट है वो खत्म हो जाए। मतलब इमेजिन कर लीजिए क्या हो जाएगा। मुझे याद आता है जब स्वयं पढ़ती थी, इट इज नॉट टू बी कोटेड, जैसे पढ़ती थी, एग्जाम में जाती थी तो डर होता था। एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में मैं कभी भी राइट टाइम पढ़ने जाती थी। आधा घंटा जब होता था अब ये खत्म होने वाला है, तब मैं प्रवेश करती थी 5-7 मिनट पहले, डर लगता था। और पहले तो प्रवेश करके सबके चेहरे देखती थी, ये चेहरों से क्या
आ रहा है भाई, क्वेश्चन पेपर आसान है या क्या, उसके बाद फिर करना शुरू करती थी। बाबा रिजल्ट तो दे देता था, लेकिन मैं अपने उस समय के नेचर को देखती थी कि ये क्या हुआ, हाँ ये क्या हुआ, मेरे नेचर में ये कहाँ से बात है। ये है स्वयं में कॉन्फिडेंस की कमी, स्वयं में कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होता है। तो इमेजिन कर लो, अच्छा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा, वी विल फेस इट। तो वो है फेस करने की शक्ति। और फिर है एक चीज जो कि सब लोग पसंद करते हैं आपके टीम मेंबर्स में, एनकरेज न्यूनेस, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, नॉवल आइडियाज। और नवीनता एक बहुत अच्छी चीज है, कई बार हम लोग उसको ऐसे साधारण रूप से छोड़ देता है, कौन सी बड़ी बात कर ली इन्होंने, कौन सी बड़ी बात हो गई, नहीं। लेकिन नवीनता को अप्रिशिएट करना अच्छी चीज है। फिर है जिसको हम कहते हैं, जहां व्यक्ति को प्रेज मिलनी चाहिए उसको देनी चाहिए, है ना। देखिए आज हम अपने जीवन में, अपने लाइफ में हम एक दूसरे को देखें, हमें प्रेज नहीं चाहिए क्या? आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आपका दिल करता है पीठ थपथपाई जाए, है ना, तो पीठ थपथपाई जाए, यू फील गुड, है ना। ऐसा नहीं कि आप ईगो में आ जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि ये चीज अच्छी हुई है, तो यू री इन्फोर्स करेंगे उसको, फिर से करेंगे। तो ये चीजें, गिव प्रेज वेयर इट इज नीडेड, वेयर इट इज ड्यू। और फिर जो है हमेशा एक गलती जो हम लोग कर लेते हैं, क्रिकेट में अगर आपने गौर किया होगा, आजकल तो क्या है वो नहीं मैं कह सकती, परंतु क्रिकेट में टीम ने जीता, टीम ने किया, ये रहा करता था। अभी क्या रहता है, इसने जीता, इसके मैच, इसने इतने किए, इससे जीत हुई। नहीं, हमें अपना जो है टीम को प्रमोट करना है, क्योंकि आज एक है तो कल दूसरा भी हो सकता है। तो वी हैव टू प्रमोट द टीम एंड नॉट सिंपली एक एक आधे को नहीं करें, लेकिन सबका हम ध्यान रखते हुए, हर एक की स्पेशलिटी का ध्यान रखते हुए टोटल टीम को प्रमोट करें। इसमें हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु हमने इसको करना ही है। एक डिटरमिंड थॉट रहता है कि मैंने कमिटमेंट को करना। अब मैं आपको उनका बताती हूँ जो अपने अब्दुल कलाम जी थे, अब्दुल कलाम जी के पास जो सेक्रेटरी थे उनके, वो बहुत ही शानदार व्यक्ति था, और दौड़ दौड़ के सारे कार्य करता था। तो कैसे, लेकिन क्यों? क्योंकि अब्दुल कलाम जी उसको बहुत अप्रिशिएट करते थे। एक बार उन्होंने उनको जो इंट्रोड्यूस किया हमको, तो उसने क्या बोला, ही इज द पिलर ऑफ माई ऑफिस। अब जब वो बोलेंगे ही इज द पिलर ऑफ माई ऑफिस, वो बंदा रात के 2 बजे उठकर भी काम करेगा ना। ये चीज है, क्या कारण है, आपने देखा होगा क्या कारण है, आप जिनके साथ काम करते हैं उनमें कुछ लोग हैं जो सारा दिन रात भर भी काम करके कहेंगे नहीं मैं थकी नहीं हूं, और कुछ है जो कहेंगे कि हमें अपना भी तो कुछ करना होता है, यही काम थोड़ी है। टू एक्सट्रीम्स यू कैन फाइंड। अब वो आपको अपने आप में चेक करना है कि क्या चीज है जो एक बंदा तो ऐसे कर रहा है और दूसरा बंदा नहीं कर रहा है, वो कहेगा कि नहीं मेरे को और भी तो 50 काम है। क्या कारण है, कुछ तो कारण होगा। दैट वी नीड टू चेक विद आवरसेल्व्स कि मेरे नेचर में, और उसको हमने प्रॉपरली बैलेंस करते हुए हर एक को प्रमोट करना है।
अब है कमिटमेंट में व्यवधान कौन से आते हैं। पहला अपनी आइडेंटिटी, मैं ये करूं, हमें ध्यान रखना है कि हमने कोई भी अपने आप को कोई पावर के साथ, धन के साथ, पोजीशन के साथ एसोसिएट नहीं करना है। अपनी आइडेंटिटी को बनाएं, आइडेंटिटी को सुरक्षित रखें, मैं हूं कौन, ये बात देखें। दूसरा फियर ऑफ फेलियर, जहां व्यक्ति जो है फेल होने से डरता है तो वो कमिटेड कम रहेगा। आप फेलियर को एनालाइज करिए, आप 10 डिसीजन लेते हैं, एक आध तो गलत हो ही सकती है ना, डरते क्यों है? आपकी 10 डिसीजन अच्छी है, एक खराब हो गई तो क्या हो गया? नथिंग रॉन्ग। तो फियर ऑफ फेलियर, इसको मिटाना होगा। जो कहते हैं, किसी ने एग्जाम्पल दिया था, जो शेर होता है, शेर 4 अटेम्प्ट्स करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, और 4 अटेम्प्ट्स के बाद वो सफल होता है शेर। अभी हमारे यहाँ पर थी या कहाँ, किसी ने सुनाया मेरे को, कहते हैं एक शेर था, वो एक कुत्ते के पीछे दौड़ा, कुत्ते को पकड़ना चाहता था, लेकिन कुत्ता इतना फास्ट दौड़ा, शेर उसको पकड़ नहीं पाया। कहा कुत्ता कहा शेर, लेकिन कुत्ते को क्या था, मुझे अपनी जान बचानी है, एक्स्ट्रा एनर्जी भी आती। तो जब आप कमिटमेंट के प्रति कमिटेड होते हैं, अपने कार्य के प्रति कमिटेड होते हैं, यू गेट एक्स्ट्रा एनर्जी। कई लोग कहते हैं ना, दादी जानकी में एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आती थी, जो इतने 904 ईयर्स की होने के बाद भी दादी यंग लगती थी, अलर्ट रखती थी, वो कहाँ से उसमें एनर्जी आती थी? इन बातों से एनर्जी आती थी, उसकी कमिटमेंट से, उसके लोगों से प्यार से, बाबा के अपने कार्य से, जिस निमित्त है उससे, इन सबसे वो एनर्जी ड्रॉ करती थी। याद रखिए, हार्डवर्क इज इम्पोर्टेंट, बट वॉट इज एसेंशियल इज परसीवियरेंस, उसको सस्टेन करिए, परसीवियरेंस इज इम्पोर्टेंट। स्वयं को पहचाने, अपने उत्तरदायित्व को समझें, एंड मेक राइट चॉइसेस। अगर आपको अब उसका एक तरीका है उस चीज को चेक करने का, राइट चॉइस के लिए, अगर आप कोई चॉइस सिलेक्ट करते हैं उसमें आपको लज्जा आती है या भय आता है या शंका आती है, तो आप समझ लो वो ठीक नहीं है। कोई भी चॉइस आपने ली, उसमें लज्जा आई आपको, लज्जा आती है, भय आता है या शंका उत्पन्न होती है, तो समझ लो वो ठीक नहीं है। अवॉइड इट, उसको अवॉइड कर दीजिए और ना करें। तो ये थी कुछ एक बातें कल्चर ऑफ कमिटमेंट के लिए, जो हमको अपने इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में काम में आती है। और आई थिंक आई एम कवर्ड। और फिर भी यदि किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो मैं आंसर करने को तैयार हूँ। With any question, I'm prepared to answer. ये चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करा था। So this culture of commitment
इसको हमें अपने सेंटर्स पर भी कल्टीवेट करना चाहिए, सेंटर्स पर भी इम्पोर्टेंट है और वैसे कार्य क्षेत्र में तो इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। Two 22 participants are there.